और सीधा रुक कर रहे इस वक्त की बड़ी खबर का। बढ़ती महंगाई के बीच सरकार का बड़ा फैसला, खाद्य तेल के बाद चीनी भी होगी सस्ती। सरकार ने चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी है। 31 अक्टूबर तक चीनी के निर्यात पर पाबंदी लागू रहेगी। साथ ही सरकार ने सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर कस्टम ड्यूटी खत्म की है। 2 साल के लिए सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है और बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने के लिए सरकार की ओर से ये कदम उठाए गए हैं। प्रशांत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रशांत, इसे बड़ी राहत कह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इसे, इन दोनों फैसलों को सरकार जो पिछले 10 दिनों से फैसला ले रही है महंगाई रोकने के लिए, चाहे वो पेट्रोल डीजल पर ड्यूटी घटाने का, एक्साइज ड्यूटी घटाने का मामला हो या गेहूं के निर्यात रोकने का, उसी कड़ी में इस फैसले को भी देखा जा रहा है। चीनी में इस साल जो चीनी का निर्यात हुआ है वो पिछले सालों के मुकाबले काफी ज्यादा हो रहा है और सरकार को ये आशंका थी कि अगर इसी तरह चीनी का निर्यात जारी रहा तो अभी तो नहीं, हालांकि चीनी के दाम अभी स्थिर बने हुए हैं, लेकिन आने वाले कुछ हफ्तों में चीनी के दाम भी बढ़ने लगेंगे, तो सरकार वैसी स्थिति को आने नहीं देना चाहती थी और इसलिए एहतियातन ये कदम उठाया गया है। और अभी से ही चीनी के निर्यात पर एक तरह की पाबंदी लगाई गई है कि 100 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी का निर्यात इस साल नहीं किया जाएगा। अब तक करीब 80 लाख मीट्रिक टन का चीनी का निर्यात किया जा चुका है, तो इस एहतियातन ये कदम उठाया गया है कि अगले 1-2 हफ्ते में चीनी की डिमांड बढ़ने लगे और चीनी के दाम न कहीं बढ़ने लगे, इससे सरकार ने यह फैसला किया है। तो उसी कड़ी में सरकार की इस फैसले को देखना चाहिए, तो लगातार एक के बाद एक फैसले सरकार ने पिछले 10 दिनों किए हैं महंगाई पर काबू पाने के लिए और महंगाई, बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए। बेशक इन फैसलों के बाद लोगों की जो राहत है वो बढ़ेगी, मुसीबत कम होंगी। हालांकि आगे किस प्रकार से और राहत देती है केंद्र सरकार, ये भी देखना होगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।